हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और ये हमारा टैली के बेसिक कोर्स भी जीएसटी का पार्ट 15 वीडियो है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग के अंदर लेजर्स क्या होते हैं और टैली सॉफ्टवेयर में लेजर्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से डिलीट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। और साथ ही में अगर आपने इसके पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन सभी वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं और वो प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। और अगर आप आने वाली वीडियोस को टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज लेजर्स, यानी लेजर्स होते क्या हैं। अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लेजर का मतलब होता है खाते। अकाउंटिंग के अंदर हमारी हर चीज का अपना एक अलग खाता होता है, अपना एक अलग लेजर होता है। किसी वस्तु से लेके किसी व्यक्ति तक का सबका अपना एक अलग लेजर होता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम जब हम अकाउंटिंग को करते थे तो उसके लिए हम मैन्युअली अकाउंटिंग को करते थे और तब हम जर्नल को बनाते थे और जर्नल के बाद हम उसको लेजर के अंदर चढ़ाते थे। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी अकाउंट लेजर को बनाते हैं उसका खाता ऑटोमेटिक ही उस लेजर के अंदर चला जाता है। लेकिन हमें टैली सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि हमारा किस चीज़ का बिजनेस है। टैली सॉफ्टवेयर सारे खातों को उनसे रिलेटेड लेजर में तो डाल देता है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि आपका किस चीज़ का बिजनेस है, कौन आपका कस्टमर है, कौन आपका सप्लायर है। तो उसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर को एक बार बताना पड़ता है, उनके लेजर्स को बनाना पड़ता है। और जब भी हम कोई भी एंट्री को करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका बैलेंस उससे रिलेटेड लेजर के अंदर चला जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जोन से लेजर हम आपको बनाना सिखाएंगे वो इस तरीके से है: कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट और हमारे टैक्स से रिलेटेड अकाउंट। टैली के इस बेसिक कोर्स में कितने ही लेजर अभी हमारे लिए रिलेवेंट है और जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे करते जाएंगे जोन जोन से लेजर हमारे यूज में आते जाएंगे, हम उसको साथ के साथ बनाते जाएंगे। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लेजर को बनाया जाता है और किस तरीके से उनको डिलीट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में आते हैं और वहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने लेजर्स को क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप उनको डिलीट करते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिक उनके लेजर्स में चला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है कि हमारा किस चीज़ का बिजनेस है, कौन हमारा सप्लायर है, कौन हमारा कस्टमर है, हमारे बिजनेस में क्या सामान आता है, क्या सामान जाता है। ये सारी डिटेल हमें टैली सॉफ्टवेयर को देनी पड़ती है और उसके बाद जब भी फ्यूचर में हम कोई भी एंट्री करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही उसके बैलेंस को उसके लेजर के अंदर डाल देता है। तो यहाँ पे हम उनको लेजर्स कहते हैं, जिनको हिंदी में खाते भी कहा जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर में लेजर को बनाने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि टैली सॉफ्टवेयर में आपकी जीएसटी की डिटेल इनेबल है या नहीं, क्योंकि जो भी हम टैक्स के लेजर बनाएंगे उनके लिए आपके जीएसटी की डिटेल को इनेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके टैक्स के लेजर क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी की डिटेल को देखने के लिए कैटवॉक टैली में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और यहां से आप F3 की प्रेस कर दीजिए, नहीं तो यहां पे टैक्सेशन वाले फीचर्स में आ जाइए, इसकी शॉर्टकट की है S। इस पर क्लिक करते आप यहाँ पे टैक्सेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिसपे लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और उसके नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इन दोनों को यस कर दीजिए। इसे यस करते यहाँ पे आपके सामने जीएसटी डिटेल से रिलेटेड विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट पूरी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तब उसको भी देख लीजिए। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी नया लेजर बनाने से पहले आप गेटवॉक टैली में रहते हुए मास्टर्स में अकाउंट इन्फो पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है A। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको लेजर्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है L। इस पर क्लिक करते यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपका सिंगल लेजर, दूसरा आपका आएगा मल्टीपल लेजर। अगर आप एक बार में एक लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंगल लेजर ऑप्शन को यूज़ करेंगे और अगर आप एक साथ में काफ़ी सारे लेजर्स को बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लेजर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके लेजर को क्रिएट करना सिखाएंगे, तो यहाँ पे हम सिंगल लेजर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। और लेजर को बनाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बाय डिफॉल्ट दो लेजर हमारे को बने हुए मिलते हैं। उन लेजर्स को देखने के लिए आप डिस्प्ले पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट ये डी। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही दो लेजर बने हुए दिखते हैं, एक हमारा कैश का, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इसके बाद जितने भी लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हमें खुद क्रिएट करने होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए या तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट ये सी। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली विंडो पर आ जाएंगे। सबसे पहले है नेम, हमें उस लेजर का नाम डालना पड़ेगा जिसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आप अंडर में आ जाएंगे। अंडर के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट हमारे किस ग्रुप के अंदर आता है। हमने ग्रुप वाली वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया था कि टैली के अंदर ग्रुप क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को सिंपल कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंदर ही लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। हर लेजर को बनाते टाइम हमें बताना पड़ता है कि वो अंडर किस ग्रुप के आता है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर में काफ़ी सारे ग्रुप मिल जाएंगे और ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी कि आपका कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आता है। अभी आप नए हैं तो आपको अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में ही आता है। जैसे जैसे आप टैली को यूज़ करना सीख जाएंगे तब आपको ये चीज़ दिमाग में आती जाएगी कि हमारा कौन सा लेजर किस अंडर ग्रुप में आएगा। तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आप इसके नेम आपको लिखा हुआ आ जाएगा मेलिंग डिटेल में। ये मेलिंग डिटेल वो होती है जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर हमें शो होती है। अब यहाँ पे एड्रेस के अंदर यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंट्री, स्टेट, पिन कोड, देन यहाँ पे इसको नीचे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम एक लेजर को क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप इस लेजर को देखना चाहते हैं कि ये लेजर बना या नहीं तो उसके लिए हम इसको डिस्प्ले में देख सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से स्किप की प्रेस कर दीजिए जिससे आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में आके उसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर बना दिया। तो आइए हम फटाफट बाकी लेजर्स को भी बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से किसी लेजर को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी लेजर्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल अकाउंट्स इनको लेजर्स और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। हम आपको एक एक करके ही लेजर्स को क्रिएट करना सिखाते हैं। उसके बाद हम आपको सेल का लेजर बनाकर दिखाते हैं। जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई भी सेल करते हैं तो हमें उसके लिए सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर हमारे बिजनेस के अंदर अलग अलग परसेंटेज वाली सेल होती है तो हमें अलग अलग परसेंटेज वाली सेल के लेजर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए 2% वाली सेल के लेजर बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले सेल्स एट द रेट 5%, देन एंटर प्रेस कर दीजिए और अंडर ये हमारे सेल्स अकाउंट के आएगा क्योंकि हमारा इसका ग्रुप सेल्स अकाउंट का ही है। देन यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड इसको नो कर दीजिए। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए और यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हुए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे चीज रखते हुए सेट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम सेल का लेजर भी बना चुके हैं, एक सेल का और लेजर बनाते हैं, सेल्स एट द रेट 12%। क्योंकि यहाँ पे हम दो अलग अलग परसेंटेज वाले ग्रुप्स को सेल करेंगे तो इसलिए हमने दो लेजर बनाए, ये भी हमारे अंडर सेल्स अकाउंट के आएगा। देन सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको सेट करा दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम परचेज का बनाएंगे। अगर हमने दो सेल के बनाए तो दो हम परचेज के लेजर को भी क्रिएट करेंगे। परचेज एट द रेट हमारा 5%, अंडर यह हमारे परचेज अकाउंट के आएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी एज इट इज रखते हुए इसको सेट करा दीजिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम आती है हम जैसे जैसे कोर्स करते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा, लेकिन आज की वीडियो में हमने मेन लेजर्स को बनाना सीखना है। तो यहाँ पे हम परचेज का एक लेजर बना चुके हैं, एक और बना लेते हैं, परचेज एट द रेट 12%। जीएसटी के अंदर हमारे चार अलग अलग तरह के परसेंटेज होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पे हम 2% के अंदर डील करेंगे। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे टीज रखते हुए सेट करा दीजिए। यहाँ पे हम सेल का लेजर बना चुके हैं, परचेज का बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं। अब हम अपने बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं कि जब भी हम कोई पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे बैंक के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम अपने बैंक का नाम लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देन यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंडर आएगा। टैली हमें बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारे ग्रुप दे देती है और जब भी हम अपना कोई बिजनेस करते हैं तो उतने ग्रुप हमारे लिए काफ़ी रहते हैं। अगर आप अपना चाहें तो अपने मनपसंद ग्रुप को भी बना सकते हैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा ईजी करने के लिए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था किस तरीके से आप ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम डाल दीजिए, अगर वो आपका सेम है तो यही रहने दीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो भी आपका बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे आप उसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए, देन यहाँ पे बैंक का नेम डाल दीजिए और यहाँ पे उसकी ब्रांच डाल दीजिए।
और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए आप अपने बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं, एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हमने बैंक का लेजर भी क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे दो और मेन लेजर बनाते हैं, एक हम अपने सप्लायर का बनाते हैं और दूसरा हम अपने कस्टमर का बनाते हैं। हमें टैली सॉफ्टवेयर को ये भी बताना पड़ेगा कि किन लोगों से हम सामान को खरीदते हैं, किन लोगों को हम सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक एक लेजर बना के दिखाता हूँ और जैसे जैसे हम आगे कोर्स करते जाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लेजर बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ कि किन से हम सामान को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मिस्टर एक्स और ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर यानी जिनसे हम माल को परचेज करते हैं। और जो हमारे सप्लायर होते हैं उनका जो हमारा अंडर ग्रुप होता है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनसे हम माल को परचेज करते हैं और अगर हम उधार में परचेज करते हैं तो उनका पैसा हमें चुकाना होता है। तो यहाँ पे सप्लायर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल, इसको यहाँ पे आप यस कर दीजिए। इसका क्या यूज़ होगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब इसको यहाँ पे यस कर दीजिए जब भी आप लेजर को क्रिएट करें। तो यस करने के बाद यहाँ पे आप उस पार्टी का एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपकी वो पार्टी है जहाँ पे जो उसका एड्रेस है, देन यहाँ पे उसकी कंट्री डाल दीजिए, देन यहाँ पे उसका स्टेट डाल दीजिए। ध्यान रहे यहाँ पे उसकी कंट्री और स्टेट डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको गलत डाल देंगे तो आपकी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। ये हम आपको आगे बताते जाएंगे, लेकिन वो भी आप यहाँ पे इसके स्टेट को दिल्ली ही रहने दीजिए। देन यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। अब नीचे जो आपकी टैक्स रिलेटेड डिटेल है उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएसटी टाइप, ये आपका रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, आपका कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको रेगुलर ही रहने देते हैं। उसके बाद ही हमसे पूछ रहा है इसका जीएसटी यानी इसका क्या जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे आप इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जीएसटी नंबर हमारा 15 डिजिट का होता है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रहते हुए इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपने एक सप्लायर का लेजर बना चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम अपने एक कस्टमर का लेजर आपको बना के दिखाते हैं, कस्टमर यानी जिनको हम सामान सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर के लिए डाल देते हैं मिस्टर एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे हम सिंपल आपको लेजर बना के दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे लेजर बनते हैं। तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, क्योंकि वो हमसे माल परचेज करते हैं, फ्यूचर में उनसे हमें पैसा लेना होता है। तो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल इसको यस रहने दीजिए और यहाँ पे आप अपने कस्टमर का एड्रेस डाल दीजिए, देन या कंट्री, यहाँ पे स्टेट और उसका पिन कोड। यहाँ पे आपको इसका स्टेट बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं यानी अगर आप अपने स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका वो स्टेट डालना पड़ेगा, और अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं यानी अपने ही स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसका स्टेट डालना पड़ेगा। स्टेट आपको ध्यान से डालना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे डीज रखते हुए रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे इसको रेगुलर दे दीजिए, क्योंकि ये भी हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, इसके पास भी जीएसटी नंबर है। यहाँ पे रेगुलर रहने दीजिए और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए जो भी इसका जीएसटी नंबर हो। जीएसटी नंबर हमने आपको बताया कि जीएसटी नंबर हमारा 15 डिजिट का होता है, और अगर आप यहाँ पे गलत जीएसटी नंबर डालते हैं तो हमें यहाँ पे मैसेज शो हो जाता है कि ये आपका जीएसटी नंबर गलत है, तो इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर को फिल कीजिए। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को अभी एज इट इज रहने दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर और अपने सप्लायर दोनों का लेजर क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पे अपने टैक्स से रिलेटेड सारे लेजर को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमने दो तरीके की परसेंटेज के अंदर डील किए, एक हमने 5%, दूसरा हमने यहाँ पे 12%। तो यहाँ पे जो हमारे टैक्स लेजर भी बनेंगे वो हमारे 5% और 12% के हिसाब से बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इनपुट है यानी जो हमने परचेज किया उसके हम लेजर को बनाएंगे। तो परचेज के लिए हमारा हो गया इनपुट CGST एट द रेट 2.5%, 5% का 2.5% हो गया। अंडर ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के आएगा, और इसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमारी कौन सी ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ये हमारी जीएसटी है, उसके बाद टैक्स टाइप के अंदर क्योंकि हमारा CGST है तो ये हमारा सेंट्रल टैक्स हो गया। देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा दें। अब यहाँ पे अगला बनाते हैं इनपुट एज जीएसटी एट द रेट 2.5%, देन ये भी हमारा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ये हमारा जीएसटी आ जाएगा, और यहाँ पे टैक्स टाइप के अंदर ये हमारा क्योंकि SGST है तो हमारा स्टेट टैक्स हो जाएगा। देन इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे एक टैक्स हम और बनाएंगे इनपुट, यहाँ पे हमारा IGST क्योंकि हमारा तीसरे तरीके का भी टैक्स होता है, और अगर हम अपने स्टेट के बाहर सेल करते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे IGST लगाते हैं। यहाँ पे हमारा IGST पूरा 100% लगता है, तो IGST यहाँ पे हमारा 5%।
ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा जीएसटी है और टैक्स टाइप ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी है और इसको ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो तीन टैक्स हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाए हैं जो हमारे इनपुट परचेस से रिलेटेड है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। और जो हमारे 12% के हैं वो भी हमारे सेम इसी तरीके से बनेंगे, 12% हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे मैं आपको 12% वाला बना के नहीं दिखा रहा, अब मैं यहाँ पे आपको आउटपुट का बना के दिखाता हूँ जो हमारे सेल पे लगते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा सीजीएसटी, ये भी हमारा एट द रेट 2.5%, अंडर ये भी हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे टैक्स होते हैं ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं, क्योंकि इसको हमें पे करना हमारी ड्यूटी होती है। देन हमसे पूछ रहा है कौन सा टाइप ऑफ ड्यूटी, हमारी जीएसटी की ड्यूटी है और सीजीएसटी है तो हमारा सेंट्रल टैक्स। तो सेम उसी तरीके से सारे टैक्स बनेंगे जिस तरीके से हमने इनपुट के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बनेगा आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 2.5%, सेम उसी तरीके से अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा जीएसटी है और टैक्स टाइप के अंदर क्योंकि हमारा एसजीएसटी है तो हमारा स्टेट टैक्स हो गया। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए आप इसको कंट्रोल सी से, जैसे आप कंट्रोल ए टाइप करेंगे आपकी शॉर्टकट की होगी और ये लेजर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लेजर हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, हमें बिल्कुल नीचे तक जाके इसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा। तो एक हम और बना लेते हैं जो हमारा आउटपुट आईजीएसटी है जो हमारा इंटीग्रेटेड होता है और ये हमारा 5% पूरा 100% हमारा लगता है। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा जीएसटी है, टैक्स टाइप के अंदर ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को रहते हुए कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा दें। तो यहाँ पे हम अपने सारे रिलेटेड लेजर्स को बना चुके हैं, तो आइए अगर हम लेजर्स को देख लेते हैं। तो लेजर्स को देखने के लिए यहाँ से आप डिस्प्ले में आ जाइए। तो डिस्प्ले में आप देखेंगे जितने भी लेजर्स हमारे इस बेसिक कोर्स को अभी करने के लिए ज़रूरी है वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम अपने कैपिटल अकाउंट को बना चुके हैं, यहाँ पे हमारे टैक्स से रिलेटेड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, जितने भी हमारे रिलेटेड लेजर है, हमारे बैंक का लेजर, यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर एबीसी लिमिटेड जो हमारा कस्टमर है, मिस्टर एक्स जो हमारा सप्लायर है। तो यहाँ पे जो हमने अभी लेजर नहीं बनाए वो हमने इनपुट 12% वाले और आउटपुट 12% वाले नहीं बनाए, क्योंकि वो भी सेम इसी तरीके से बनेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से लेजर बनेंगे। अब एक टॉपिक हमारा और है कि हम किस तरीके से किसी लेजर को डिलीट करेंगे। अगर कोई लेजर हमारा गलत बन जाता है तो किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर से हम सिर्फ लेजर को देख सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी लेजर को ठीक करना चाहते हैं, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप अल्टर मार के ही कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है ए। यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके की स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे किसी भी लेजर को ओपन करके उसको अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर एबीसी लिमिटेड, हमने ये नहीं बताया कि हमारा कस्टमर है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में उसमें कस्टमर कर सकते हैं। ओपन करेंगे तब देखेंगे ये हमारा एडिटेबल फॉर्मेट में, इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिस्टर एबीसी लिमिटेड के लास्ट में आके इसको बता सकते हैं कि हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से हम लेजर को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अल्टर में आते ही इसी स्क्रीन पर रहते हुए उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है ओल्ट प्लस डी। जैसे आप ओल्ट प्लस डी टैप करेंगे यहाँ पर हमें डिलीट की कमांड पूछेगा कि आप इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप यस कर दीजिए, ये लेजर हमारा डिलीट हो जाएगा। देखेंगे लेजर हमारा डिलीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको लेजर क्या होता है, लेजर किस तरीके से क्रिएट होता है, लेजर किस तरीके से डिलीट होता है आपको बताया। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। तो आप इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।